तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट हमारे सामने आई है, और मोहम्मद यूनुस ने ये कहा है कि इंडिया और बांग्लादेश रिलेशंस शुड बी वेरी क्लोज डिस्पाइट द रीसेंट रेजिम चेंज। देखिए, इंडिया और बांग्लादेश का जो रिलेशनशिप है ना, इट इज समथिंग व्हिच नीड्स वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। लुकिंग एट द डिपेंडेंस व्हिच बांग्लादेश हैज ऑन इंडिया, ठीक है, आपकी सोच है चुरा लिया। मोदी साहब को बार बार प्रोवोक करना, इंडिया को प्रोवोक करना, पहले ही इनका बेड़ा गर्क हो चुका है, क्योंकि जब से इन्होंने एंटी इंडियन नारे लगाए तब से इनकी इकोनॉमी क्रैश हो चुकी है। यहाँ के लोग भुखमरी से मर रहे हैं, महंगाई है, लोड शेडिंग है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, और अब इन्होंने मंदिरों को लूटने का प्लान बना लिया। उन्होंने अपने इंडस्ट्रीज को मजबूत किया, उन्हें सस्ती बिजली दी, ठीक है, उन्होंने सहूलतें दी, ठीक है, और उसका नतीजा ये निकला कि इंडस्ट्रीज ने अपने आउट ऑफ कंट्री से मार्का से इंडिया में लाए, ला के उसको डेवलप किया, इंडिया को फैक्ट्रीज लगाई, उसको रोजगार मिला वहां को, ठीक है ना। उसका नतीजा ये निकला कि आज वहां पे जीडीपी ग्रोथ रेट अबव है। पाकिस्तान का जीडीपी 1.5 पे आने का मेन सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है यहाँ पे हर बंदा जो है। मोहम्मद यूनुस साहब को ये समझ आ गई है कि इंडिया की मदद के बगैर बांग्लादेश की इकोनॉमी का चलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इंडिया की बड़ी कंपनीज जो हैं वो बांग्लादेश को बिजली फराहम करती हैं, बांग्लादेश ने उनके काफी पैसे हमेशा ही देने होते हैं, अटके रहते हैं। जैसे ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरफ टिल्ट होना चाहिए, मेरा ख्याल है कि ये दीज आर नी जर्क रिएक्शंस, दिस इज टू अर्ली टू से दिस। बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा इसकी वजह से। सही हो गया, ठीक है। इंडिया एक आजकल मतलब आने वाले जमाने में एक सुपर पावर है, सही है। उनके पास जो मतलब मिसाइल्स वगैरह है, सब जो फोर्सेस है वो बांग्लादेश के मुकाबले बहुत ज्यादा है। दोस्तों, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री या आप कह लें केयर टेकर प्रधानमंत्री कह लें, जो भी है, लीडर है, एक समय पे तो इतना उछल रहे थे वो और उनके सपोर्टर की जैसे भारत पे अटैक ही कर देंगे, भारत को छोड़ेंगे ही नहीं। हिंदुओं पे अत्याचार अभी भी जारी है, लेकिन वही बात है कि अब भारत के कदमों में लेट गए, लेट के ऐसे ऐसे कर रहे हैं, नागिन डांस कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारा उधार इन्होंने भारत का नहीं दिया है, ऊपर से जब देखो तब कटोरा लेके भारत के सामने खड़े रहते हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन भारत सबसे ज़्यादा लोन बांग्लादेश को ही देता है, उधार मांगने में ये नंबर वन है। हालांकि फ्री के पैसे नहीं देता, उधार के पैसे देता है, कटोरा लेके ये हमेशा खड़े रहते हैं भारत के। अब मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं वो कटोरा में जो भीख मांगते चुका तो पा नहीं रहे, यहाँ तक कि अडानी साहब का पैसा नहीं चुका पा रहे, अडानी साहब चाहें तो एक तिहाई ढाका की बिजली बंद कर दे तो चुका नहीं पा रहे, तो अब बाप बाप करके फिर रहे। एक स्टेटमेंट दिया उन्होंने, कहा भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बांग्लादेश के लिए, बिना भारत के सर्वाइव कर पाना मुश्किल है, हम भारत से हमेशा फ्रेंडली रिलेशन चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भारत भी हमसे दोस्ताना रिश्ते रखेगा। मोहम्मद यूनुस ने ये कहा है कि इंडिया और बांग्लादेश रिलेशंस शुड बी वेरी क्लोज despite the recent regime change in the country। मोहम्मद यूनुस का ये कहना है कि जो रिजीम चेंज हुआ, जो बांग्लादेश के अंदर एक बड़ा चेंज आया है, despite that change, बांग्लादेश एंड इंडिया relations, इंडिया ties, बांग्लादेश ties with इंडिया should be very strong। और दोनों कंट्रीज़ को बहुत क्लोज relations रखने चाहिए एक दूसरे के साथ। अब ये एक ऐसे वक्त में बात सामने आई है, जैसा कि मैंने कहा कि आप ये देखिए कि लास्ट 6 मंथ्स में क्या क्या कुछ हुआ, उसमें बहुत सारी बातें आती रहीं और चलती रहीं कि अब जो हैं वो ताल्लुकात इनके अच्छे नहीं रहेंगे, दोनों तरफ से स्टेटमेंट्स भी जारी रहीं और ख़ास तौर पर बांग्लादेश के जो हालात हैं वो हमें नज़र आए। अच्छा, अब इसके ऊपर उन्होंने एक तो इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि मोहम्मद यूनुस साहब को ये समझ आ गई है कि इंडिया की मदद के बगैर बांग्लादेश की इकोनॉमी का चलना इतना आसान नहीं होगा। आप देखिए, इससे कुछ दिन पहले एक हमारे सामने कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट आया जिसमें 3 कंट्रीज़ जो कि बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया हैं, उन्होंने बिजली के हवाले से एक कॉन्ट्रैक्ट किया। अच्छा, ये तो इलेक्ट्रिसिटी का तो मामला है ही है, क्योंकि इंडिया की बड़ी कंपनीज जो हैं वो बांग्लादेश को बिजली फराहम करती हैं, बांग्लादेश ने उनके काफ़ी पैसे हमेशा ही देने होते हैं, अटके रहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के वाले से भी कहा जाता है कि जो मेडिसन्स वहाँ पर जाती हैं
इंडिया से, उसकी काफ़ी पेमेंट्स जो हैं वो काफ़ी बाद बाद यानी काफ़ी देर से भी होती रहती हैं। तो वैसे भी इंडिया को तो क्योंकि दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, तो वो मेडिसन्स तो नहीं रुक सकती, वो जाती रहती हैं वहाँ पर। और इंडिया भी जो ऐसे ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कोई काम होता है उसको जो है वो नहीं ना नहीं करता, चाहे वो जो भी कंट्री हो, एनिमी कंट्री हो तब भी। तो अब मोहम्मद यूनस का ये कहना कि जो टाइज हैं वेरी क्लोज डिस्पाइट दी रिसेंट रिजीम चेंज, इसका मतलब है कि ये पता चल गया कि ताल्लुकात ख़त्म नहीं हो सकते, रिलेशंस हमें अच्छे बना कर रखने पड़ेंगे। और इससे पहले आपको पता है कि इंडिया की तरफ से भी काफ़ी ऐसे स्टेप्स कुछ देखने को मिले कि भई अब हमारा जो पेमेंट्स हैं, बिल्स हैं, कंपनीज की तरफ से कहा गया वो तो अदा कर दें, बड़ी मुश्किल हो रही है वगैरह वगैरह, वो पता चल रहा था कि जाहिर है कि जो कुछ चल रहा है उसके अंदर। और फिर साथ ही बांग्लादेश ये भी देख रहा है कि कोई भी कंट्री हो, अब देखिए ना अभी के अभी देख लें, श्रीलंका से लेकर और लाओस तक, जहाँ जहाँ डॉक्टर जयशंकर या मोदी साहब गए हैं वहाँ पर वो कुछ ना कुछ देकर आए हैं, बड़ी बड़ी रकमें, मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं इन कंट्रीज़ को, नेबरिंग फर्स्ट के नाम पर भी, नेबरिंग फर्स्ट की जो उनकी पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और जितनी भी पॉलिसीज़ है उसमें वो नेबर्स को देते हैं। अब बांग्लादेश ये जानता है कि देखें IMF से पैसा लेना और बात है, IMF के प्लान में जाना और बात है, अमेरिका से भी उसको इमदाद जो है एड दी गई है बांग्लादेश को और आगे मिलती रहेगी, लेकिन एक ऐसा कंट्री जो कि आपके नेबर में मौजूद है और वो आप उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों में डिपेंड करते हैं, ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। और किसी से कर्ज लेना या IMF के प्लान में होना या एड ले लेना किसी से, वो एक डिफरेंट एंगल है। कह रहे बांग्लादेश को पालने वाले हमें, आज आइए अपने बाप को आंखें दिखा रहे, आज अगर बॉर्डर बंद कर दिया तो रोने धोने शुरू हो जाएंगे। नहीं खैर ये बात तो गलत है क्योंकि बांग्लादेश खुद उसमें इतने टैलेंटेड लोग मौजूद है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में इंडिया की है सर, ये हम डिनाई नहीं कर सकते, इसमें भी कोई शक नहीं है। इंडियंस कितने नेशनलिस्ट हैं ये भी पूरी दुनिया को पता है। इनके दरमियान ये जो जिस तरह अयोध्या मंदिर की इफ्तिताह किया था नरेंद्र मोदी ने, इसी तरह 2021 में उन्होंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे हसीना वाजिद की, उन्होंने वहाँ पे विजिट किया और काली टेम्पल जो है उस पर उनकी वो जो मुखट जो है वो चढ़ाया। अब बाहर ये था, उन्हें ये लगता था कि बांग्लादेश की आवाम जो है, जो हिंदू या हिंदू मुस्लिम कम्बिनेशन जितना भी है उनके दरमियान और उनके बांग्लादेश के दरमियान और इंडिया के दरमियान एक अच्छे मरासिम जो है वो डेवलप होंगे, और हुए भी सर, हुए भी। हाँ। अब हुए क्या कि इस पॉइंट ऑफ व्यू पे बांग्लादेश हिंदुओं ने, हिंदुइज्म ने ये लिया इंडिया वालों ने कि वहाँ पर भाई जो हिंदू हैं उनको बड़ी मजहबी आज़ादी है, ठीक हो गया हर किस्म की, तो एक उनके दरमियान ना फ्रेंडली रिलेशन। अब देखें नेशनलिस्ट मैं क्या, मेरे किसी दूसरे ममालिक में अगर मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये हमें खुशी होगी हमारी हमारी फीलिंग्स जो है वो डेवलप होंगी। सही है। इसी तरह इंडिया, और इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है, आप 71 से लेके अगर ये कहें कि फाउंडिंग फादर में बांग्लादेश में इंडिया का ही हाथ था, मुक्ति बानी को जो सपोर्ट किया था शेख मुजीबुर रहमान को जो सपोर्ट किया गया था, नो डाउट कि उस वक्त के जो कॉन्ट्रोवर्सी थी कि पाकिस्तान की तरफ से भी मजालिम तो बड़े ढाए गए थे, उनके मुंतखब नुमाइंदे को हुकूमत ना देना, ये सारे मामले थे, किसी हद तक अगर हम लोग उसके इंडिपेंडेंट उसका हम तजिया करें तो इंडिया ने उनको सपोर्ट किया, सब दुनिया को पता जी। अब ये हुआ क्या है कि जब से इनकलाब को आ गया है, ये नफरत क्या है इंडिया को लेके, वो इंडिया जिन्होंने इन बांग्लादेशियों को पाला है, इनको एक्सपोर्टर बनाया है, इनको दुनिया के अंदर एक कहते हैं ना जो 2-3% इनकी करेंसी गाली थी उसको इज्जत दिलाई, आज ये उसी इंडिया के हिंदुओं को जो है परेशान कर रहे हैं, जो है उन पे अटैक कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं, ये दिमाग इनका अपनी जगह पे है कि हिला हुआ है। देखें इंडियन इकोनॉमी से हम कहते थे कि ये फलां बंदा टकेगा नहीं है। हाँ। लेकिन टका जो है वो अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें या इंडिया के साथ कंपेयर करें, पाकिस्तान में टके की कीमत जो है वो 30 रुपए तक पहुँच गई थी शेख हसीना के दौर में। सही है। तो मतलब एक हमारे से भी ज़्यादा, हम अपने आप को कहते हैं कि बड़ा मजबूत मुल्क है, तो हमारे से भी ज़्यादा चला गया था, तो उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इंडिया ही की थी। सही अब है। हुआ क्या है वहाँ पे कि ये रेवोल्यूशन तो आ गया। हाँ। रेवोल्यूशन के बाद कोई प्लान ही नहीं था। हाँ। कोई इकॉनमी को स्टेबल करने का, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने का। अब ये देखें कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे बड़े इन्वेस्टर है वो इंडियन है। बिल्कुल। जो टेक्सटाइल में सबसे, अडानी साहब जो है आपने बता दिया, जो इलेक्ट्रिसिटी उसके अलावा जो टेक्सटाइल में इन्वेस्टर हैं वो भी मैक्सिमम जो है, अब ये कह लें कि बांग्लादेश में 75-80% जो है वो इन्वेस्टर टेक्सटाइल में भी इंडिया के हैं, क्योंकि उससे पहले जो 22 दहाइयां थी उनमें उनके दरमियान को रिलेशन बहुत अच्छा रिलेशन था, मतलब आप ये कह लें कि बॉर्डर तो था।